हाय गाइस, तो आज हम लेके आए आपके लिए नया वीडियो। हम आज बात करेंगे कैनन 200D मार्क टू के, जो उसके लिए कौन सी बेस्ट लेंसेज है जो 200D मार्क टू के साथ मैच होती है, तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी मैं थोड़ी खांसी आ रही है मुझे, तो आई होप आपको मेरा वीडियो जो भी मैं डाल रहा हूँ वो पसंद आ रहा हो। और आपका कोई भी क्वेरी या कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मैं डाल पाऊँ, आपके काम आ पाऊँ। यही मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैनन 200D मार्क टू ये काफ़ी ट्रेंडिंग कैमरा है, हमेशा से 3-4 सालों से काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग कैमरा बना हुआ है अभी तक के लिए। तो इसके लिए बेस्ट लेंसेज कौन कौन सी है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे किट लेंस की। इसके साथ जब हम कैमरा खरीदते हैं तो हम इसे हमारे इसके साथ एक लेंस मिलती है 55-250 mm की और 18-55 की। तो ये जो आप लेंस देख रहे हैं, ये 55-250 mm की लेंस है, ये आप देख सकते हैं। ये मैक्रो जूम लेंस है। इसके साथ हम अच्छे, अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है आपके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में या फिर वीडियो में, तो आप इससे ब्लर कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लेंस है ये। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑटो फोकस मोड भी है और स्टेबलाइज़र का भी ऑप्शन आपको इसमें देख सकते हैं आप लोग। ऑन अगर आपको रखना है स्टेबलाइज़र, आप ऑन कर सकते हैं। और मैं अपनी वीडियोस फोटोज़ ज़्यादातर अपने मैनुअल फोकस मोड पे रखता हूँ। अगर आपको वीडियो शूट करनी है तो आप ऑटो फोकस मोड पे आप शूट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लेंस है अभी तक के लिए, जो कि ब्लर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी। मेरे काफ़ी जो फोटोज़ आप देखते हैं, जो मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आप देख लीजिए, उसमें काफ़ी जो भी मैंने ज़्यादा मैंने वीडियो खींची वो इसी लेंस से खींची हुई है। तो उसमें आप देख सकते हैं मेरे शॉर्ट्स में, अगर आपको देखना है कि मैं अपने फ़ोटोज़ कैसे खींच सकता हूँ, तो मेरे चैनल में जो शॉर्ट्स का ऑप्शन है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम अगले लेंस की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी 50mm लेंस है, प्राइम लेंस है ये। ये आपको किट लेंस के साथ नहीं मिलती है, ये आपको अलग से ख़रीदनी पड़ेगी। तो अगर आप अभी इसका रेट देखेंगे तो 9,000 से 10,000 में नई लेंस मिल रही है 1.8 STM लेंस के साथ। अगर आपको सेकेंड हैंड में जाना चाहते हैं तो इसको 5,000 से 6,000 में आपको ये लेंस मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी लेंस है। इसका वीडियोग्राफी में, अगर वेडिंग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी आप कर रहे हैं कैनन 200D मार्क टू से, तो ये आपको कम डिस्टेंस के लिए काफ़ी अच्छी लेंस है। बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए काफ़ी अच्छी इसमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं हमें। तो अब इसके से ज़्यादा लोग इसी को प्रेफर करते हैं, मैं भी काफ़ी बार इसको यूज़ कर चुका हूँ। तो काफ़ी अच्छी लेंस है, आप इसके साथ जा सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारी जो लेंस है वो है 18-55 जो लेंस है, जिससे मैं अभी अपने वीडियो शूट कर रहा हूँ। जो ये आप वीडियो क्लैरिटी देख रही है, इसी उसी लेंस से मैंने शूट की है वीडियो। तो मैंने इसको ऑटो फोकस मोड पे रखा हुआ है, ताकि मेरा जो भी मूवमेंट होगा वो ऑटो फोकस करके ये वीडियो कैप्चर करेगा। वीडियो 18-55 लेंस ये काफ़ी अच्छी लेंस है, ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में भी अच्छे से रिजल्ट देता है। इसका जो वाइड एंगल का जो ऑप्शन है इसमें, वो काफ़ी अच्छा आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये अब तक की 3 बेस्ट लेंसेज है कैनन 200D मार्क टू के लिए। इसमें आप माउंट करके अलग से लेंस भी लगा सकते हैं 70-200, लेकिन वो उसमें अच्छा जो आपको रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये तीनों लेंस जो मैंने अभी बताई है आपको, ये सबसे बेस्ट लेंसेज है कैनन 200D मार्क टू के लिए। अगर आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहिए फोटोग्राफी में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइट विजन देखिए, जहाँ पर लाइट ज़्यादा हो तो दिन में आप काफ़ी अच्छे से फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। अगर आपको नाइट में चाहिए तो आपको फ्लैशलाइट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लो लाइट वर्जन काफ़ी इतना ठीक नहीं है। तो आपको लाइट फ्लैशलाइट या फिर जो लाइव मोड लाइट है वो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। सेम टाइम अभी जो आप देख रहे हैं, मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 18-55 लेंस की है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब अगर आप वीडियोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट करें तो आप मिररलेस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये 2-in-1 कैमरा है, इसमें 4K मोड आता है 30fps के। तो आप 30fps भी, अभी जो मेरा वीडियो शूट कर रहा है मैं, ये फुल HD मोड पे है मेरा 60fps पे, तो इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैं 4K पे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और भी आप किस किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।